पांचवा पर्व है और खासतौर पर आयोजक की भूमिका में हमारे ओले के एक स्टाइलिश डैशिंग पर्सनालिटी क्रिकेटर एक शानदार साथ ही साथ उतने बड़े ऑर्गेनाइजर आयोजक की भूमिका में प्रतीक जी पाटिल और उनकी टीम ने काफी बढ़िया आयोजन किया है। खासतौर पर देखा जाए मैनेजमेंट की भागदौड़ संभालते हुए हमारे रिवोल सर, तो चार ओवर का मैच शुरू होने जा रहा है। JWR ट्रॉफी 2022 हम देख रहे हैं। खासतौर पर कल इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ और कल कमेंट्री बॉक्स में हमारे पनवेल रायगढ़ के रॉकस्टार कमेंटेटर वाकड़ी के प्रवीण जी गायकर थे और शेरो शायरी के बादशाह कमेंटेटर देवी चापाड़ा के हमारे बाबू शाह और कल हमारे प्रवीण जी दुगाड़े सर कमेंट्री बॉक्स में हिंदी के कैसे अनुभवी और लेजेंड कमेंटेटर आप देख सकते हैं जिनके माध्यम से खासतौर पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में और साथ ही साथ दिन के क्रिकेट बड़े प्रतियोगिताओं में हम उनका आवाज सुनते हैं। पनवेल रायगढ़ के पोंजे गांव के हमारे तो पहला पुरस्कार JWR ट्रॉफी का आप देख सकते हैं 80,000 वर्ड ट्रॉफी, दूसरा पुरस्कार 40,000 वर्ड ट्रॉफी और तीसरा पुरस्कार 20,000 वर्ड ट्रॉफी और तीन दिन खासतौर पर 23, 24, 25 चार दिन का क्रिकेट प्रतियोगिता और टॉप थ्री में देखना है कौन सी टीम पहुंचेगी। कल बामन डोंगरी टीम ने टॉप थ्री में जगह बनाया। आज के अगर दिन की बात करें तो कौन सी टीम जगह बनाएगी टॉप फोर, चार दिन के खेल में चार आपको टीमें नजर आएगी क्वालिफाई करने के लिए। इस टूर्नामेंट को खासतौर पर आयोजन करने में अहम भूमिका निभाया है हमारे अजनबी स्पोर्ट्स ओले की टीम ने, अष्टविनायक स्पोर्ट्स ओले, आर्या स्पोर्ट्स, ईगल ग्रुप और ग्रामस्थ मंडल ओले, इन सभी का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। मैच की शुरुआत पहली गेंद फ्लाई स्लिप और गली की रीजन में बैट्समैन आउट हुए शून्य के स्कोर पर। महागणपति चीर ने टीम को लगती हुई पहला झटका और गोल्डन डक के तौर पर आउट हुए बैट्समैन विवेक आत्मोलकर आउट हुए। यहां पर पहली गेंद पर गली की दिशा में सॉफ्ट डिसमिसल अमोल पाटिल विकेट टेकर और पहली गेंद पर पहली सफलता। मंच पर आप देख सकते हमारे संजय जी गायकवाड़ इस मैच को एंजॉय करते हुए, खासतौर पर सुनील स्पोर्ट्स सुनील ट्रांसपोर्ट के सर्वे सर्वा और साथ ही साथ हमारे रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के कमेटी के अध्यक्ष राकेश जी गायकवाड़ साहब और समाज सेवक राजेश जी गायकवाड़ साहब का उतना ही योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को यहाँ पर लोकप्रिय करने में, प्रसिद्ध करने में, JWR ट्रॉफी 2022 और जिनका मूल्यवान योगदान रहा है। निश्चित तौर पर ये नाम पूरे चर्चित रहेगा आने वाले तीन दिन में, ललित जी जोबन पात्रा, राज जोबन पुत्रा सर और कीर्ति मैडम। स्विंग एंड मिस, गजब की ये गेंद थी, पेस और लाइन और लेंथ से बीट किया है अमोल पाटिल, कमाल के फॉर्म में और देखा जाए पिछले दो तीन वर्षों में इनकी अगर फिटनेस की बात करें, इनके खेल की बात करें तो निश्चित तौर पर अयान स्पोर्ट्स कोपर और पनवेल रायगढ़ क्रिकेट में इंपैक्ट डाला है अमोल ने अपने खेल में। आगे बढ़े जरूर थे लेकिन एक और स्विंग एंड मिस गेंद, लगातार दो गेंदे डॉट बॉल आया है। पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रही है बैटिंग टीम, आप देख सकते हैं महागणपति चिरने टीम, लेकिन सक्षम हुए नहीं बल्लेबाज। पहली गेंद पर ही आउट हुए बैट्समैन विवेक, सतीश और ऋषिकेश। लगातार चौथी गेंद डॉट हुई है, पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हुए बैट्समैन विवेक, उसके बाद लगातार तीन गेंदे अब तक डॉट आया है अमोल पाटिल। पिछले मैच में भी मैच विनिंग स्पेल गेंदबाजी की इन्होंने, दो ओवर के स्पेल में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए। पांचवी गेंद इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक मिड विकेट के रीजन में, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, कमाल का बॉलिंग और कमाल की फील्डिंग, गजब का यहां पर स्टार्ट देखने को मिलता हुआ अयान स्पोर्ट्स कोपर टीम के माध्यम से अमोल पाटिल। इसलिए तो कहते हैं यहां पर निश्चित तौर पर हर खिलाड़ी का है मोल, जो जरूरतमंद पर काम आए वो सबसे अनमोल अमोल पाटिल। व्हाट अ बॉलिंग, पांच गेंदे 2 विकेट चटका चुके, देखना क्या है इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर विकेट देखने को मिल सकता है। आउट हुए बैट्समैन ऋषिकेश, तीन गेंदे डॉट, चौथी गेंद पर दबाव भरा स्ट्रोक था, ये जो पिछली गेंद पर इन्होंने स्ट्रोक खेला दबाव भरा स्ट्रोक था,
प्रेशर में खेला हुआ स्ट्रोक, और देखिए किस्मत भी गेंदबाज और कोपर टीम का साथ देती हुई, आयन स्पोर्ट्स कोपर टीम का, गेंद बरोबर मिड विकेट के फील्डर के हाथ में गया। तो या दरम्यान कुंडेवाल गाँव के उद्योजक आणि उत्कृष्ट डावखुरे गोलंदाज कपिल पाटील यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। पा आमचे आयोजक प्रतीक पाटील आणि जेडब्ल्यूआर टीम चे सर्व कमिटी आपल्याला आमंत्रित करतोय की आपण या व्यासपीठावर, आपलं स्वागत आहे जेडब्ल्यूआर ट्रॉफी 2022 मध्ये। कपिल पाटील उद्योजक कुंडेवाल आणि उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू या आपण आपलं स्वागत आहे। साहिल चौहान आए ने बैटर, अब इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव रहेगा। और सबसे खास बात बैटिंग टीम चिरनेर के ऊपर दबाव ये कि इस ओवर को मेडन ओवर न जाने दे। प्रेम पाटिल हमारे वाजे के स्कोरर यही कहते हुए कि अब तक 5 गेंदों में एक भी रन खर्च नहीं किया अमोल पाटिल ने। आग उगलने वाली गेंदबाजी चल रही है, चढ़कर बॉलिंग चल रही है। और पहले ओवर में यहाँ पर 2 बड़े झटके दिए हमारे, देख सकते हैं कि पनवेल रायगढ़ के वन ऑफ द क्वालिटी अंपायर हमारे परम मित्र, आप देख सकते नीरज रनावत सर का यहाँ पर स्वागत हुआ है। वेलकम टू स्वागत है नीरज सर, आपका स्वागत है। आखिरी गेंद, गेंद अच्छी थी, शॉट यहाँ पर समझदारी से खेला हुआ स्ट्रोक था मिड विकेट की तरफ। और वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे एकमात्र खिलाड़ी जो अपर खड़े थे प्रीतेश पाटिल, उनके हाथ में गेंद गई है। तो चलिए मेडन ओवर तो जाने दिया नहीं, लेकिन क्या बॉलिंग की है वेल बॉल अमोल पाटिल, एक रन यहाँ पर खर्च किया और 2 विकेट चटकाए। हमारे अंपायर नीरज रनावत सर, आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर आगमन होता हुआ, और सुबह से लगातार शानदार अंपायरिंग जिनके माध्यम से चल रहा हमारे घाटकोपर के गणेश भाविस्कर सर और हमारे माहुल कोलीवाड़ा के हेमंत कोहली सर। तो पहले ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1-2, महागणपति चिरने टीम का स्कोर। 2 विकेट गवाए टीम ने, आउट हुए विवेक और ऋषिकेश। अब मैदान पर जोड़ी आप देख सकते साइस और बैट्समैन साहिल चौहान। टॉप 4 में देखना आज कौन सी टीम प्रवेश करेगी। कल के पहले दिन के खेल में जिस प्रकार प्रेम हमें बता रहे कि 52 डोगरी टीम ने 7 टीमों को पराजय करके टॉप 4 में जगह बनाया, एक ट्रॉफी लगभग सुनिश्चित किया है इस टीम ने। 52 डोगरी टीम हालिया फॉर्म देखे तो गजब का इस सीजन अब तक शुरुआत रहा है 52 डोगरी टीम का। जेडब्ल्यूआर ट्रॉफी 2022 हम देख रहे आयोजक की भूमिका में प्रतीक जी पाटिल हमारे, होले के एक स्टार खिलाड़ी, लेजेंड खिलाड़ी, डैशिंग पर्सनालिटी। अमोल पाटिल, ये टूर्नामेंट अब तक अमोल के लिए काफी शानदार रहा है। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच और इस मैच के पहले ओवर में सिर्फ 1 रन। नए ओवर की शुरुआत, स्लॉट पे गेंद थी, बिग हिट करने की कोशिश प्रीतेश पाटिल गेंद के नीचे और मिड विकेट के रीजन में एक और झटका, आउट हुए बैट्समैन इस बीच साहिल चौहान 1 रन के स्कोर पर। टीम को लगता हुआ 1 के स्कोर पर 3 बड़ा झटका। देखिए स्कोर की तरफ अगर बात करें तो 1-3 है, ऐसा लग रहा मानो फुटबॉल का मैच चल रहा है। लेकिन बताना चाहेंगे ये घातक गेंदबाजी, ये असरदार खतरनाक और दमदार गेंदबाजी चल रहा है यहां पर आयन स्पोर्ट्स कोपर टीम का। राकेश कुंडे करने हैं बैट्समैन, अब राकेश फुंडेकर अब नए बल्लेबाज बीच मैदान पर। संकट में टीम है और ये पहली बार देखने नहीं मिला चिरने टीम को इस तरह की स्थिति से उभार कर लाने में, इनका हमेशा हमने मूल्यवान योगदान देखा है चिरने टीम का। पनवेल रायगढ़ क्रिकेट में नाइट टूर्नामेंट में स्पेशली कई बार इन्होंने शानदार बैटिंग की है। राकेश फुंडेकर नए बल्लेबाज, दबाव होगा इनके ऊपर भी, जड़ में डाली हुई गेंद। दूसरा ओवर आप देख सकते बॉलिंग करते हुए गेंदबाज गोविंदा पाटिल। गोविंदा पाटिल पहले मैच में दमदार बैटिंग की थी इन्होंने, गेंदबाजी भी उतनी शानदार, शुरुआत अच्छी थी इस ओवर में गोविंदा पाटिल ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार बैट के बीचों बीच कनेक्शन और रिजल्ट आता हुआ यहां पर मिड विकेट के रीजन में हवाई फायर। और यह लगता हुआ जेडब्ल्यूआर ट्रॉफी मिड विकेट के रीजन में धन धन आता हुआ सिक्सर। ये शॉट अच्छा है और निश्चित तौर पर कहते कि यहां पर
सकारात्मक सोच नजर आया यहाँ पर खेल में, पॉजिटिव माइंडसेट। भले ही 3 विकेट गिरा है लेकिन रनों के लिए जाती हुई चेन्नई टीम, उनको पता है अगर डिफेंसिव मोड में अगर बल्लेबाजी चलता नजर आएगा तो स्कोर लगभग 25 से 30 रन ही बनेंगे फिर। लेकिन इस बार बैट के बीचों बीच स्लॉट में गेंद थी और मिड विकेट के ऊपर से ये दमदार सिक्सर, और ये लगता हुआ JWR ट्रॉफी सिक्सर। स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 7 रन। चौथी गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश थी, गेंद जाता हुआ यहाँ पर डीप में, खिलाड़ी वहां पर तैनात राकेश के बैट से आता हुआ सिंगल। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 8 पर। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन, अमोल पाटिल की क्वालिटी और इंपैक्टफुल गेंदबाजी रही है पहले ओवर में। इस मैच में अब तक 1 रन देकर 2 विकेट चटकाया उन्होंने। विवेक का विकेट काफी इंपॉर्टेंट था और उसके बाद आउट किया उन्होंने बल्लेबाज ऋषिकेश को। इस बार कारपेट के सारे गेंद जाता हुआ आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ के रीजन पर। प्रीतेश वहां पर फील्डर मौजूद, आता हुआ सिंगल। 4 ओवर का मैच है, 4 ओवर के मैच में कोशिश अब निश्चित तौर पर दूसरे ओवर में थोड़ा सा हाथ खोलने का प्रयास कर रहा है बैटिंग टीम आप देख सकते हैं महागणपति चेन्नई टीम। गोविंदा पाटिल लेफ्ट अम राउंड द विकेट, एक बार फिर तैयार, फुल टॉस की गेंद थी, बॉलर बैक टू ड्राइव, गेंद बिल्कुल अंपायर के बगल से जाता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ। अमोल पाटिल वहां पे मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और थ्रो जब तक आएगा 2 रन पूरे किए गए। तीसरे की कोशिश क्योंकि ओवर थ्रो का फायदा उठाने का पूरा प्रयास है। चौथा चाहते हैं लेकिन ध्यान नहीं था वहां पर बल्लेबाज राकेश का, अन्यथा साइश ने पूरी कोशिश की थी 4 रन भी यहां पर कंप्लीट हो जाए, जो मंशा था कि 4 रन बटोरने का इस शॉट सिलेक्शन पे आया है। टोटल 3 रन, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के मैच में पहली मरतबा बैटिंग करती हुई टीम महागणपति चेन्नई टीम का टोटल स्कोर हुआ है 3 विकेटों के नुकसान के बाद टोटल स्कोर 12 रन। WTC वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लाइव के माध्यम से JWR ट्रॉफी 2022 हम देख सकते हैं घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। ढेर सारा प्यार, स्पॉन्सरशिप, सहकार्य, मूल्यवान योगदान रहा इस टूर्नामेंट में हमारे JWR लॉजिस्टिक्स का, ललित जोबनपुत्रा सर, राज जोबनपुत्रा सर और कीर्ति मैडम का, जो स्पेशली कल से लगातार जब जब समय मिलता है बिजी शेड्यूल में कीमती समय निकालकर JWR ट्रॉफी के मैचेस को एंजॉय करते हुए हमारे तीनों महान व्यक्ति प्रतीक जी पाटिल आयोजक की भूमिका में, हमारे ओले गांव के हमारे डैशिंग पर्सनैलिटी। तो 2 ओवर का खेल हुआ है, स्कोर हुआ है टोटल देखा जाए स्कोर कार्ड पर 12 रन। औसत की बात करें, रन रेट की बात करें तो 6 के औसत से रन बनाया जा रहा है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। अयान स्पोर्ट्स कोपर टीम ये मैच जीतती तो निश्चित तौर पर तीसरे राउंड में आज के दिन पहुंचेगी ये टीम, और फिर उसके बाद आज की शाम का जो आखिरी मैच होगा खेलती नजर आएगी अयान स्पोर्ट्स कोपर टीम। प्रतुल पाटिल क्या बैटिंग की थी पिछले मैच में आप देख सकते, बिल्कुल डीप मिड विकेट के रीजन में वहां पर उपस्थित प्रतुल पाटिल। गैप इनका जो बल्लेबाजी में जो खूबी है नजर आता है कि निश्चित तौर पर शॉट सिलेक्शन, गैप ढूंढने में ज्यादा तवज्जो देते हैं, फोकस उनका इस पे रहता है कि गैप किस प्रकार ढूंढना है। ताकत इनके अंदर है लेकिन नजाकत से रनों की बरसात, रनों की कहते कि यहाँ पर रन चेज में इनका मूल्यवान योगदान रहता है बैटिंग में। मिडिल ऑर्डर में अयान स्पोर्ट्स कोपर के एक पकड़ बल्लेबाज। तीसरे ओवर की पहली गेंद थी, फुल टॉस गेंद मिस किया यहाँ पर राकेश ने, अपने आप से थोड़े से नाखुश होंगे क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, एक बिग हिट करने का पूरा मौका था, 22 रन है एक्स्ट्रा रन। विकेट कीपर आप देख सकते हैं अमर पवार और फ्लाई स्लिप के खिलाड़ी दौड़े। एक खूबसूरत मैदान 360 मैदान, ओले फाटा का यह मैदान हम देख सकते हैं, और इस मैदान पर यह मुकाबला चलता हुआ JWR ट्रॉफी। इस बार थोड़ा सा क्रीज की गहराइयों का इस्तेमाल किया गया था, काफी पीछे चले गए थे और पहले से मंशा साफ थी कि इस गेंद को काऊ कॉर्नर और मिड विकेट के रीजन में बिग हिट के लिए जाना है, लेकिन बॉलर भी हमारे चतुर चलाक कुमार पवार, अनुभवी एक्सपीरियंस यंग टैलेंट खिलाड़ी कुमार पवार, इस टीम के बॉलिंग के पिटारे के अनुभवी गेंदबाज। जड़ में डाली हुई गेंद थी, गेंद को खोद के निकाला है, गेंद जाता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन भाग के पूरा किया गया है।
दूसरे की थोड़ी सी हड़बड़ाहट थी, लेकिन एक से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो सिंगल की मदद से स्कोर कार्ड अब आगे बढ़ता हुआ 14 यानी 14 रन पर। अयान स्पोर्ट्स कोपर की टीम ने एक बार फिर मर्तबा आप देख सकते हैं टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, पहले मैच में भी वही देखने को मिला था। वर्चे ओले के खिलाफ टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था और 50 रन चेस किए थे। बॉलर बैक टू ड्राइव, एक और अच्छी गेंद, कुमार पवार अपनी पावर दिखाते हुए गेंदबाजी में। देखिए एक बड़ा नाम है राकेश फुंडेकर और इनको रोक कर रखा है, शानदार बॉलिंग। अब तक गेंदों की बात करें तो टोटल गेंदे हुई अब तक 4, पांचवी गेंद लेकर तैयार दायां से ओवर द विकेट। एक और फुल टॉस गेंद मिस किया गया, हल्की सी अपील लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था, जिसकी वजह से अंपायर गणेश भाविस्कर सर ने नकारा लेग बिफोर विकेट की अपील को। लेग बाय एक रन है, गुड डिसीजन, क्वालिटी अंपायरिंग, बढ़िया अंपायरिंग कल से लगातार देखने को मिलता हुआ। गणेश भाविस्कर सर हमारे घाटकोपर के, माउल गांव के हमारे हेमंत कोहली और हमारे उलवे के नीरज रनावत सर। लेग बाय एक रन, स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 15-15 पर। ओवर की आखिरी गेंद, बड़ा शॉट चाहिए, चेन्नई टीम को बड़े स्ट्रोक की दरकार थी और मस्तक पर देकर जाती हुई दस्तक लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये आता हुआ JWR ट्रॉफी सिक्सर, महागणपति चेन्नई टीम। कहते ना जब संकट में टीम रहती है तो यहां पर गणपति बप्पा को याद किया जाता है, और इस टीम ने निश्चित तौर पर बल्लेबाज ने यहां पर याद किया गणपति बप्पा को, और कहीं ना कहीं जोखिम भरा यह स्ट्रोक था। ऑलरेडी इस ओवर में रन काफी कम आए थे, हमारे स्कोरर प्रेम बता रहे थे सिर्फ और सिर्फ 3 रन अब तक आए थे, लेकिन टोटल इस सिक्सर की बदौलत टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 21 और पिछले ओवर में रन आए टोटल 9 रन। तो 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 21 महागणपति चेन्नई टीम का, विकेट गिरे हैं 3, चौथे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी यहां पर देखने को मिलता हुआ साइज और राकेश के माध्यम से। साइज के बैट से आखिरी बॉल पर सिक्सर आया, स्कोर हुआ है 21। JWR ट्रॉफी 2022 JWR लॉजिस्टिक्स के माध्यम से यहाँ पर स्पॉन्सरशिप दिया गया इस टूर्नामेंट में, इनामी राशि की जीती हम देख रहे हैं। टॉप 4 में जो टीमें पहुंचेगी JWR लॉजिस्टिक के माध्यम से इनामी राशि हम देख सकते हैं यहाँ पर स्पॉन्सरशिप दी गई है। ललित जोबन पुत्रा सर, राज जोबन पुत्रा सर और कीर्ति मैडम हमारे तीनों महान व्यक्तियों के माध्यम से विशेष सहकार्य इस टूर्नामेंट में। अमर पवार आखिरी ओवर लेकर बैक ऑफ द लेन डाली हुई गेंद थी, और विकेट कीपिंग आप देखिए प्रतुल पाटिल प्रफुल्लित करने वाला इनका परफॉर्मेंस आज के दिन पूरे दिन रहा है। डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत, अमर पवार लेफ्ट आर्म बॉलर, अनुभवी, एक्सपीरियंस क्रिकेट में काफी, लेदर क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो योगदान हमेशा 100% रहता है। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा शफल हुए थे, इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था लेकिन यहां पर थ्रो नहीं किया, नाराज वहां पर थोड़ा सा वहां पर नजर आए अमर, क्योंकि उनको पूरी यहां पर कॉन्फिडेंस थी कि गेंद कलेक्ट करेंगे रन आउट के लिए, लेकिन प्रतुल पाटिल ने वहां पर थ्रो नहीं किया, ये थोड़ी सी ना समझ के परे था यह डिसीजन। हालांकि सिंगल आया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22 पर। नेक्स्ट मैच में आरके कुंडेवाल टीम उतरेगी, वैभव आ चुके हैं। धीमी गति की बॉल थी इस बार, स्लॉट में गेंद, हवा में गेंद और गैप में खेला हुआ स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑन के रीजन में मच नीडेड बाउंड्री, क्योंकि चौकों की दरकार थी, रन्स नहीं बन रहे थे, और महागणपति चेन्नई टीम के लिए आता हुआ बैट्समैन साइज के बैट से लॉन्ग ऑन के रीजन में मिस फील्डिंग जरूर हुआ, लेकिन किस्मत वाला चौका चेन्नई टीम के नाम, चौके की मदद से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 26-26 और यह लगता हुआ JWR ट्रॉफी चौका। यस, थर्ड अंपायरिंग के लिए यहां पर एक बार फिर अश्विन पाटिल को जाना होगा मैदान के अंदर।
तो क्रिकेट में के अनुभव खिलाड़ी और डैशिंग पर्सनालिटी आप देखते हैं, आयोजक की भूमिका में हमारे प्रतीक पाटिल व खुद जाते हुए थोड़ी सी गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाया गया, सवाल ही तो उठा गया। तो थर्ड अंपायर के लिए मैदान पर जाते हुए प्रतीक पाटिल, अमर पवार बॉलिंग मार्क पर, साइज स्ट्राइक पर, रिवर्स पैडल स्वीप, व्हाट अ शॉट, इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक, रचनात्मक स्ट्रोक और गेंद गया डीप थर्ड मैन के रीजन में, एक और चौका के लिए, बैक टू बैक दो बाउंड्रीज आई है और ये लगता हुआ जे डब्ल्यू आर ट्रॉफी चौका, चौका दिया है अब इस खिलाड़ी ने चेन्नई टीम ने। इस दरमियान कपिल पाटिल एक युवा उद्योजक कुंडेवाल आणि उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख आहे, डावकुरे गोलंदाज म्हणून देखील राहिले आणि 40 प्लस मध्ये आजही ते चांगले खेळत आहेत, त्यांचे इथे आगमन होते, मोस्ट वेलकम कपिल पाटील। 16 रन पे बैटिंग करे, साइज एज अ ओपनर आए थे, सिर्फ अब तक 6 गेंदे फेस की थी इस गेंद से पहले और सातवीं गेंद पर एक ही रन मिलेगा, आउट हुए राकेश, क्योंकि राकेश ने सही काम किया है, जिस खिलाड़ी के बैट से रन निकलता हुआ नजर आ रहा उस खिलाड़ी को स्ट्राइक देते हुए, तो रनआउट के रूप में ये चौथा झटका लगता हुआ महागणपति चिरने टीम को, आउट हुए यहां पर राकेश फुंडेकर। स्कोर कार्ड है टीम का टोटल 31 पर 4। अमर पवार अच्छी वापसी देखने को मिलता हुआ अमर पवार के माध्यम से, ये गेंद अच्छी है, ये लाइन अच्छी है, पिछली गेंद थोड़ी सी फुल लेंथ डिलीवरी गेंद थी और बैट्समैन साइश ने क्या शॉट खेला था डीप थर्ड मैन की रीजन पर, रिवर्स पैडल स्वीप स्ट्रोक। ओवर की अगली बॉल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बैट के बीचों बीच स्लॉग स्वीप, घुटना टेक, साइज का ये शानदार धमाकेदार शॉट देख जनाब, मिड विकेट के रीजन पे मैच की अगर पहली पारी की अगर देखिए अपने अनोखे अंदाज में साइज ने फिनिश किया है और 23 रनों की पारी खेली है, 8 गेंदे फेस की है साइज ने, वेल प्ले साइज, एक अच्छी पारी और टीम का टोटल स्कोर 4 ओवर के इस मैच में टारगेट सेट करने वाला 37 रन हुए और 38 का लक्ष्य रखा गया आयान स्पोर्ट्स कोपर के लिए, वेल प्ले साइज, एक शानदार पारी, 23 रनों की पारी केवल 8 गेंदों में, रनों की जब दरकार थी टीम ने इनको याद किया और निश्चित तौर पर केवल 8 गेंदे इन्होंने फेस किए और 8 गेंदों में 23 रनों की वैल्यूबल पारी, वेल प्ले साइज। चला नेक्स्ट मैच साठी टॉस साठी रेडी रहा, यानंतरचा होणारा सामना आर के कुंडेवाल वर्सेस एनसीसी उल्वे। आयान स्पोर्ट्स कोपर टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 38 रन बनाने होंगे आने वाली 24 गेंदों में, जे डब्ल्यू आर ट्रॉफी 2022 हम देख रहे हैं आज दूसरा दिन, कल की बात करें तो टॉप फोर में पहुंचने वाली कल की पहली टीम बामन डोगरी, देखना आज कौन सी टीम यहां पर टॉप फोर में जगह बनाएगी और एक ट्रॉफी लगभग सुनिश्चित करेगी। चलिए बॉल की मांग कर रहे हैं यहाँ पर महागणपति चिन्नर के खिलाड़ी, साइज की लाजवाब पारी, 8 गेंदे 23 रनों की अफलातून इनिंग और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनके बैट से इस पूरे पारी में रन देखने को मिला है, 38 का टारगेट है, चलिए 38 रनों का किस प्रकार पीछा किया जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ आज प्रशांत मुंगा जी और हमारे स्वीट वॉइस निश्चित तौर पर हमारे पनवेल रायगढ़ के जुड़े हुए हमारे ओले गांव के भूमिपुत्र रिवोल मात्रे सर और आज हमारे साथ हिंदी के मखमली आवाज पनवेल न्यू पनवेल के हमारे हिंदी के पंखमली आवाज हमारे लोकेंद्र ओझा सर का आवाज आपको सेकंड इनिंग में सुनने को मिलेगा। चलिए 38 रनों की कहानी आइए सुनते हैं हमारे ओझा सर की जुबानी, 38 रन मैच में काफी कहते कि रोमांच अभी भी बरकरार है क्योंकि 38 रन किस प्रकार चेज होंगे ये यहाँ पर कहानी आप सुनेंगे हमारे ओझा सर के माध्यम से। आयान स्पोर्ट्स कोपर टीम इस रन चेज में उतरेगी लाइव एक्शन के साथ, जुड़े रहिए देखते रहिए जे डब्ल्यू आर ट्रॉफी 2022 डब्ल्यू टी सी लाइव के माध्यम से।
थैंक यू वेरी मच सचिन जी। और जैसा आपको पता है कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है और 80 करोड़ युवा जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब भी कोई युवाओं का देश होता है उसकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ऐसे ही युवा डायनामिक नेतृत्व आदरणीय श्री प्रतीक पाटिल जी जिनके माध्यम से यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट होता हुआ, और कोई भी देश जो होता है ना वो तब तक सुरक्षित रहता है और तब तक जो है मजबूत रहता है जब युवा उनके देश में होते हैं। तो ऐसे युवा प्रतिनिधित्व आदरणीय प्रतीक पाटिल जी जिनके माध्यम से ये JWR क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य दिव्य खूबसूरत शानदार आयोजन आप देख रहे हैं, और उनके साथ साथ रविंद्र मात्रे सर भी जो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में हैं, और उसी के साथ साथ रायगढ़ क्रिकेट कमेंट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय महेश मात्रे जी जो कि इसी गांव के सुपुत्र हैं, काफ़ी यंग डायनामिक हैं और सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे महेश मात्रे जी उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उनके साथ साथ रविंद्र मात्रे जी हैं और JWR लॉजिस्टिक उनके ललित जोबनपुत्रा, राज जोबनपुत्रा सर और कृति मैडम, हम उनका तहे दिल से हम आभार प्रकट करते हैं। और हमारे कैमरामैन आदरणीय सत्यवान जी जो कि पूरी सत्यता के साथ इस खूबसूरत पलों को, रोमांचक पलों को अपने कैमरे में कैद करते हुए पहली गेंद पर वंडरफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, रिजल्ट इज ऑल्सो फुल, सीमा रेखा पार जाते हुए चौके के साथ अपनी इनिंग का आगाज करते हुए, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, पहली गेंद से अपने इरादे जाहिर करते हुए टोटल जीतने के लिए चाहिए 38 रन, और ये चौके के साथ आगाज करते हुए पहली गेंद पर से ताबड़तोब हवाई फायर यहां पर करते हुए और अच्छी वापसी कराई अगली गेंद पर अपनी टीम के लिए। और यहां पर महागणपति चिरनेर उनके गेंदबाज विवेक जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, तो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, और जब भी किसी भी टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ी होते हैं तो उनकी टीम हमेशा ही फायदे में रहती है। ऐसे विवेक की अगली गेंद एक बार फिर हवाई फायर, फील्डर उसके नीचे, और इसी के साथ पहले विकेट का पतन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, और अच्छी वापसी यहां पर कराते हुए महागणपति चिरनेर उनकी टीम के लिए पकड़ा खूबसूरत झेल, खत्म हुआ बल्लेबाज का खेल, एक और विकेट का पतन और बल्लेबाज चले अपने वतन पवेलियन की ओर। और मेरे साथ हैं सचिन गिरी जी, प्रशांत मुंगा जी और पंच हमारे श्री गणेश बाविस्कर जी हैं, श्री हेमंत कोली जी हैं, गणेश जी घाटकोपर से हैं और श्री हेमंत कोली जी मावल से, और हमारे रानावत जी, नीरज रानावत जी भी अभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक से एक क्रिकेट के अनुभव के सितारे इस मंच पर मौजूद हैं। हमारे प्रेम पाटिल जी हैं, WTC लाइव है, वर्ल्ड टेनिस कॉम, ये इसके माध्यम से आपको लाइव क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर देखने को मिलता हुआ। अगले बल्लेबाज मैदान पर आए हैं अमोल पाटिल जिन्होंने की बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजी भी अच्छी की थी, और ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर आते हुए अपनी भूमिका को यहाँ पर निभाना होगा, 38 रन बनाने हैं और गेंदबाजों को रोकना होगा। और दोस्तों जैसा कहते हैं ना कि जिसमें लड़ने का जज्बा होता है उसी का मैदान पर कब्जा होता है। अगली गेंद का माल की गेंद, अपील कर रहे थे अंपायर को जो है उसका ध्यान भटकाने का काम कर रहे थे, ऐसा हम देखते थे जब 90s 80s में जब पाकिस्तान की टीम के बहुत बार अपील करने पर अंपायर डर के मारे दे देते थे, तो लेकिन यहाँ पे हमारे अंपायर जो है काफी मुस्तैद हैं, अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हुए फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ घुमा दिया 4 रनों के लिए, और किसी भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं था। प्रेम जी हम 80-90 के दशकों में फिल्में देखते थे जब पुलिस आके कहता था खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो, है ना, कभी विलेन कहता था, कभी हीरो, कभी पुलिस वाले, सेम उसी तरह का शॉट था, खबरदार अगर कोई अपनी जगह से हिला तो, किसी के पास मौका ही नहीं था। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए अपनी टीम के लिए 38 रन चाहिए अयांश स्पोर्ट्स कोपर उनकी टीम को, और सामने है महा गणपति चिरने रिवर्स शिप करने का प्रयास, कैच की जबरदस्त अपील कर रहे थे, जबरदस्त अपील, और पूरी खेल भावना का परिचय देते हुए
बल्लेबाज जो है वापस पवेलियन की ओर आए। ऐसे लम्हे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं प्रेम जी। हमने देखा ना वहाँ कैच छूटा तो उसने फील्डर ने कहा कि सिक्स है, और यहाँ पर भी बल्लेबाज जो है वापस पवेलियन में आते हुए ऐसा ब्रायन लारा कई बार कर चुके हैं कि वो आउट हो गए, अंपायर ने अपील नहीं की, लेकिन फिर भी खेल भावना निभाते हुए वो मैदान के बाहर आ जाते थे। और सबसे खराब जो बिहेवियर रहता था वो ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ियों का ही रहता था, भले आउट भी रहेंगे फिर भी डटे रहेंगे, जब तक अंपायर बोलता नहीं भाई तुम जाओ तब तक डटे रहते थे, तो उसमें माहिर थे। बहरहाल यहाँ पर अच्छी खेल भावना का परिचय देते हुए वापस पवेलियन की तरफ आते हुए 38 रनों की जरूरत है दोस्तों अयांस स्पोर्ट्स को पर उनको अगले मुकाबले की तरफ बढ़ने के लिए, और वहां पर महागणपति चिरनेर उनकी टीम को रोकना होगा 37 रनों के अंदर। बहरहाल इसी के साथ टोटल स्कोर एक ओवर के बाद 18 रन समीकरण 18 एक ओवर के बाद 8 रन और अभी समीकरण है 18 गेंदों पर 30 रन, तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां पर बल्लेबाजी करनी है अयांस स्पोर्ट्स कोपर को। और यकीन मानिए प्रेम जी, जैसे जैसे मुकाबला बढ़ेगा रोमांच भी जो है ना पिछले मैच की तरह ही बढ़ेगा। जब कैच छूटा था तो मैच जो है जीत लिया था, अगर पकड़ते तो नतीजा कुछ और हो सकता था, उसी तरह की एक रोमांचक मुकाबले की बुनियाद यहां पर रखती हुई ये टीमें अयांस स्पोर्ट्स कोपर वर्सेज महागणपति चिरनेर। रोहित नारंगीकर अगले गेंदबाज आए हैं, और भाई ये सीजन ना नारंगी का ही होता है, संतरे का होता है ना, जो बहुत प्रसिद्ध होता है। तो पहली गेंद व्हाट अ कट, अपर कट, सुपर कट, सीमा रेखा कट करते हुए 4 रनों के लिए कमाल का चौका, बैक फुट पर गए, छोटी गेंद पंच कर दिया और गेंद सीमा रेखा को भेदते हुए चीरते हुए 4 रनों के लिए। तो नारंगी का मौसम है, यूपी में संतरा या नॉर्थ में आप जाओगे नारंगी बोलते हैं, तो ये मौसम भी नारंगी का यह है। हर जगह आप संतरे आप देखेंगे कभी 50 रुपये किलो 40 रुपये किलो होते हैं, वही गर्मी में जाओगे उसी संतरे का भाव जो होता है 100 रुपये किलो हो जाता है। तो ये मौसम नारंगी का है और गेंदबाज भी नारंगी है। अगली गेंद और शायद बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमकर विकेट कीपर के हाथों में गई थी, और यहां पर जो है जमीन को चूमती हुई गेंद, और बॉलर के रिएक्शन से ऐसा लगा कि यह कैच था और पकड़ लेते तो निश्चित रूप से एक रोमांच पैदा हो सकता था। कमाल की वापसी यहां पर करते हुए, समीकरण भी लगातार बदलते हुए 16 गेंदे और 26 रन, 16 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए अयांस स्पोर्ट्स कोपर। एक बार फिर नारंगीकर भाई रिवर्सिप करने का प्रयास था, और क्या कमाल की यहाँ पर देखिए वापसी कराते हुए अपनी टीम के लिए, है ना, क्योंकि उनको पता है कि एक एक जैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, उसी तरह से एक एक गेंद की कीमत उनको पता है, कितना बड़ा मुकाबला है। पिछला मैच भी बहुत रोमांचक हुआ था और ये पूरा सम्मान दिया गेंद को, और गेंद ऑफसाइड की तरफ गई थी और बैकफुट पर जाकर पूरा सम्मान दिया प्रेम जी। जैसे जैसे नए नए जमाई का ससुराल में पहले दिन स्वागत होता है ना, उसी तरह का सम्मान स्वागत किया, और बाद में क्या होता है आप शादीशुदा लोगों से पूछ सकते हैं, सत्यवान जी से भी पूछ सकते हैं, तो अब देखते हैं मैदान पर क्या होता है। बहरहाल पूरा सम्मान देते हुए एक रन अर्जित करते हुए छोर बदलते हुए, और छोर बदलने के साथ स्कोर भी बदलता हुआ 14 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत। अच्छा स्प्रे चाहिए, स्प्रे दे दीजिए सर। और हमारे डॉक्टर एमडी जिन्होंने किया है ऑर्थोपेडिक्स, एमएस ऑर्थो मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स सर्जन सर्जरी, तो ऐसे डॉक्टर साहब गए हैं सुजल गायकवाड़ दी, सूजन कम करने के लिए गए हैं। उनका हॉस्पिटल भी है बहुत बड़ा, दिलों का हॉस्पिटल है उनका। मैदान पर जाते हुए एमएमएस ऑर्थो फ्रॉम जर्मनी, वहां से उन्होंने किया हुआ है,
और मैदान पर जाते हुए। और बहरहाल मुकाबला यहां पे बहुत ही रोमांचक मोड़ पे चलता हुआ, 14 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत। तो सुजल गायकवाड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद, काफी तेजी के साथ आप मैदान पर गए और आपने जो अच्छी ट्रीटमेंट दी है, और हम नतीजा भी देखेंगे कि अच्छी बैट्समैन पर चांगले तो दोनों अच्छे, सब लोग हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग हैं जो मैदान पर हैं। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है JWR लॉजिस्टिक के द्वारा आयोजित JWR ट्रॉफी, जिनके ऑर्गेनाइजर हैं आदरणीय प्रतीक पाटिल जी, वन मैन शो। और अगला मुकाबला जो खेला जाएगा RK कुंडे वहाड़ वर्सेस NCC उलवे, तो टॉस के लिए आप प्लीज रविंद्र मात्रे जी उनके साथ संपर्क करें। और बहरहाल 14 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत। हमारे अमर पवार जी वापस आते हुए काफी तकलीफ में हैं, और निश्चित रूप से जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा हो सकता है कि वो वापस जाएं और अपनी टीम को जीत के मुहाने पर ले जाएं। बहरहाल 14 गेंदे और 25 रन, एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, और पहली गेंद, और यहां पर जो है मौका यहां पर शायद छूटा था, और ऐसा अगर बल्ले से लग कर गई है तो ऐसा हर्सेल गिब्स, पता है आप हर्सेल गिब्स ने जब स्टीव वॉक का कैच छोड़ा था वर्ल्ड कप में, तो काफी उसके बाद स्टीव वॉ ने कहा था हर्सेल गिब्स को कि भाई तुमने वर्ल्ड कप छोड़ दिया है, और यहां पर एक मौका था और पहले ही शायद खुशियां मनाने उनको लगा आसान सा कैच होगा। बहरहाल समीकरण बदलते हुए 13 गेंदे और 25 रनों की जरूरत, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे गेंद गई, एक रन पूरा किया आसानी के साथ, दूसरा रन मुकम्मल करना चाहते थे लेकिन मना किया, और एक ही रन यहां पर मिलेगा। और इसी के साथ फिर समीकरण चेंज होते हुए 12 गेंदों पर 24 रन। अब प्रेम जी वक्त है रिस्क लेने का, और जिसको रिस्क से इश्क हो गया उसकी नैया पार हो जाती है। अब देखना है यहां पर कौन सी टीम रिस्क से इश्क करती है और इस मुकाबले को जीतती है। समीकरण 12 गेंदे और 24 रन, जो पहले 10 रन का था वो अभी 12 रन पे आ गया है। और अगर हम बात करेंगे प्रेम जी, जो बल्लेबाजी महागणपति चिरनेर की टीम भले ही 37 रन बनाए, वापसी 8 गेंदों पर 23 रन एक बल्लेबाज ने बनाए थे, और उस इनिंग से मैच में थोड़ा सा रोमांच पैदा हुआ, नहीं तो ऐसा लग नहीं रहा था कि 38 रन जो है ये आसानी से बन जाएंगे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पर की महागणपति चिरनेर, उनकी टीम ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में एक नया रोमांच पैदा कर दिया है। 12 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत है। अभी गेंदबाज जो आएंगे सबसे महत्वपूर्ण रूसी नारंगीकर एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए हैं, और इस मुकाबले में अपनी टीम को वापस लेके आने का पूरा श्रेय नारंगीकर भाई को ही जाता है, लेकिन अब जो है उस मंजिल तक पहुंचा पाते हैं नहीं, क्योंकि दिल्ली पहुंचते हैं कि नहीं वो देखना अभी काफी दिलचस्प होगा। 12 गेंदे 24 रन की जरूरत, एक बार फिर से नारंगीकर की गेंद काफी तेजी के साथ विकेट कीपर के पास जाती हुई, अद्भुत तेजी थी इसमें, जब बिजली की चमक की जैसी तेजी थी, और जिसके साथ समीकरण 11 गेंदे और 24 रन। अश्विन पाटिल जी थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए, ग्यारह गेंदे और 24 रन, बल्लेबाज दोनों मैदान पर हैं, प्रतुल पाटिल और गोविंदा पाटिल। अब देखते हैं ये दोनों जीत पाते हैं सभी का दिल या नहीं। दोनों बैटर हैं, और ये कमाल की गेंदबाजी, क्या तेजी के साथ, क्या वेरिएशन के साथ, सचिन जी क्या वेरिएशन है, और क्या जैसे मुरलीधरन है ना, उनके पास 10 अलग अलग तरह की गेंदे वो डाल सकते थे, 10 अलग अलग गेंदे, तो उसी तरह की वेरिएशन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए कमाल की गेंदबाजी। और अगर उनकी टीम इस मुकाबले में जीतती है अगर, तो इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। बहरहाल बल्लेबाज भी काफी मजबूत हैं, हर मुसीबत का सामना करने को तैयार, फॉलो थ्रू में इस गेंद को लपकने का प्रयास करते हुए, और नारंगी के हाथों में नारंगी ग्रुप में विकेट मिलता हुआ, एक और विकेट का पतन। और सबसे महत्वपूर्ण बात सचिन जी, ये तीसरी डॉट गेंद,
तीसरी डॉट गेंद है और विकेट यहां पर निकालते हुए महत्वपूर्ण विकेट, महत्वपूर्ण ओवर अपनी टीम के लिए, और निश्चित रूप से इस विकेट के साथ उनके हौसले काफी बुलंद होंगे। और अगले बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए विनोद पाटिल, तो विनोद भाई देखते हैं अपनी बल्लेबाजी से सभी दर्शकों का विनोद कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल 9 गेंदे और 24 रन, जो आंकड़ा हमने प्रेम जी आपने बताया था 12 गेंदों पर 24 रन है ना, लेफ्ट साइड वाला जो है चेंज हो रहा है लेकिन राइट साइड वाला आंकड़ा चेंज नहीं हो रहा है। तो 12 पे 24 था, वो 9 पे 24 आया है, और यहाँ पे जरूरत है राइट साइड के आंकड़े को बदलने की। और राइट साइड का जो आंकड़ा है वो जाता है अयान स्पोर्ट्स कोपर की टीम को, कमाल की बल्लेबाजी यूनिट है, लेकिन उस यूनिट को अब वक्त है परफॉर्म करने का। 9 गेंदे 24 रन, और इसी के साथ व्हाइट गेंद करार करते हुए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का प्रयास था, और अभी आंकड़ा यहां पर चेंज होता हुआ और 9 गेंदों पर 23 रन की जरूरत, 9 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत। और जैसे जैसे मैदान पर गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे इस मैदान पर क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट की गर्मी बढ़ती हुई, और ये गति में परिवर्तन किया था और इसी गति की दुर्गति होते हुए 4 रन बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से जाते हुए 4 रन हासिल करते हुए, और इसी के साथ 8 गेंदों पर 19 रन की जरूरत। और सचिन जी, जब चीजें आपके फेवर में हो रही होती हैं और टफ चीजें होती हैं तो उस तरह थोड़ी आपको जो चेंजेस है ना उसको अवॉइड करनी होती है। बहरहाल यहां पर फायदा होता हुआ बल्लेबाजी टीम को समीकरण 8 गेंदे और 19 रन, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले की बुनियाद रखते हुए दोनों टीमें अयान स्पोर्ट्स कोपर वर्सेस महागणपति चिरनेर। और प्रेम भाई, जब ऐसी बड़ी टीमें खेलती है ना, ऐसा ऊपर नीचे देखने को मिलता है, जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है ना, उसी तरह से चेंज। और इसी के साथ क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए, कमाल की गेंदबाजी करते हुए नारंगी कर, और जिस तरह से नारंगी अपने स्वाद से सभी लोगों का जो होता है ना दिल को जीतता है, उसी तरह से यहाँ नारंगी कर अपनी गेंद से सभी लोगों का दिल जीतते हुए कमाल की गेंदबाजी करते हुए 7 गेंदों पर 19 रन। और अगर हम बात करें तो 12 पे 24 रन चाहिए थे है ना, एक चौका, उसके बाद 8 गेंदों पर अभी भी 7 गेंदों पर 19 रन की जरूरत। बेहद ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ यहां पर, और ये गेंद दिशा से भटके नारंगी कर 7 गेंदे और 18 रन। कभी कभी नारंगी संतरा खट्टा भी होता है, तो यहां पर वाइड जाते हुए लेकिन समीकरण बदलते हुए, लेकिन समीकरण और ये जो मुकाबला होगा ना वो खट्टा नहीं होगा, वो देने को तैयार नहीं है। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण और कमाल की गेंद, कमाल का ओवर यहां पर चलता हुआ, 6 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अयान स्पोर्ट्स कोपर 38 रनों की जरूरत थी, और प्रेम भाई ऐसा मतलब ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा लगा आसानी से जो स्कोर हासिल कर लेंगे, लेकिन जिस दबाव में रखा है, बात करें अभी भी 38 रन, 20 रन बने हैं सिर्फ है ना, 3 ओवर के बाद 20 रन बने हैं, तो ये दिखाता है कि महागणपति चिरनेर की बॉलिंग यूनिट में कितनी क्षमता है, कितनी गहराई है, और उसी के साथ साथ अयान स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी में भी गहराई है। अगला टॉस के लिए लास्ट कॉल या लास्ट रिमाइंडर आर के कुंडेवहाल वर्सेस एनसीसी उल्वे, तो एनसीसी उल्वे भाई, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उनको उनकी जो उनको जाना जाता है उनकी समर्पण के लिए, उनकी टाइमिंग के लिए उनको जाना जाता है कि वो हमेशा परफेक्ट रहते हैं। नाम जो एनसीसी है ना उसका मतलब ये होता है कि एकदम डिसिप्लिन वाले हमेशा लोग रहते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो यहाँ पर भी टीम एनसीसी है, शायद आपकी मीनिंग अलग होगी, लेकिन आप जो है जरूर आइए और थोड़ी भी 5-10 मिनट का आगे पीछे भी जो है, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के लिए जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सर्दियों के दिन हैं प्रेम जी है ना, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, एक एक मिनट जो होता है मायने रखता है, और खास करके जब बड़ा टूर्नामेंट हो और बड़ा मुकाबला, 6 गेंदे 18 रन, गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, आतिश मात्र गेंदबाजी करने आए, देखते हैं किस तरह की आतिशी गेंदबाजी
करते हैं पहली गेंद गोविंदा पाटिल के लिए, बल्ला घुमा दिया था, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी वाला ये शॉट था। और प्रेम जी आप जो बता रहे हैं जो 24 12 पे जो 24 था अभी 5 पे 18 हो गया, मतलब किस तरह से दबाव में, जैसे रेगिस्तान में लोग पानी के लिए तरसते हैं ना प्रेम जी, रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते हैं उसी तरह यहाँ मैदान पर रनों के लिए तरसती हुई अयान स्पोर्ट्स कोपर की टीम। कमाल की गेंदबाजी। अगली गेंद हवाई फायर और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा पार पार पार, 6 रनों की बहार, खूबसूरत शॉट और ये उम्मीदें बढ़ाने वाला ये शॉट था, कमाल का शॉट। और इसी के साथ 4 गेंदों पर 12 रन की जरूरत और ये जो गेंद थी गेंद दर्शकों में हो गई मिक्स, अंपायर ने दे दिया 6, गाना नहीं बजेगा रिमिक्स। तो कमाल का शॉट था, 4 गेंदे और 12 रन, ऐसे एक दो और हिट्स की आतिश को आतिशी बल्लेबाजी दिखाते हुए गोविंदा पाटिल, कमाल का शॉट। लेकिन अभी 4 गेंदे 12 रन, हर एक गेंद की वैल्यू है, हर एक रन की वैल्यू है, 4 गेंदे 12 रन। और ऐसा ही मुकाबला हुआ था 3 गेंदे 13 रन जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में जब मुकाबला हुआ था वहां पर छक्का लगाया था, अपनी टीम को जीत दिलाई थी, उसके बाद बोल्ड हुए थे, 9 बॉल पर 3 रन दौड़े थे। तो अब यहां पर देखना है किस तरह की बल्लेबाजी होती है गोविंदा पाटिल कमाल के यहाँ पर फॉर्म में लगते हुए। और जब भी गोविंदा का नाम आता है तो दही हंडी की याद आती है, दही हंडी की याद आती है, वही गोविंदा सबसे कामयाब गिना जाता है, वही टीम कामयाब गिनी जाती है जो कि जिनके गोविंदा जो है मटकी फोड़ते हैं। और यहाँ पर इस गोविंदा पर दारोमदार है जीत की मटकी फोड़ने का। वंडरफुल ब्यूटीफुल पावरफुल सक्सेसफुल रिजल्ट इज आल्सो फुल, सीमा रेखा पार पार पार, गगनचुंबी छक्का, समीकरण 3 गेंदे और 6 रन। आप देखेंगे दही हंडी उत्सव स्पेन में भी मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ 5-6 थर लगते हैं वहां पर 12-15 थर लगते हैं, तो उसी तरह का ये 5वें माले पर दहाड़ा गया ये शॉट था, गेंद छूटी हुई पहाड़ गोविंदा के बल्ले से निकलती, 6 रनों की दहाड़, कमाल की बल्लेबाजी, 3 गेंदों पर 6 रन, सारे समीकरण तहस नहस करते हुए, नेस्तनाबूद करते हुए, कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए गोविंदा ने जो है अपना कमाल दिखा दिया। टोटल स्कोर हमारे प्रेम जी बताएंगे 32, 2-3 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत है, एक ऐसे हवाई फायर आ जाता है तो उसके बाद जो यहां पर अयान स्पोर्ट्स को पर उनकी टीम के लिए ये बहुत ही बड़े लम्हे होंगे। बहरहाल वापसी करने की पूरी क्षमता है हमारे मात्रे जी में। अगली गेंद और ये जमीन को ऑन द कारपेट शॉट था, ये 1 रन पूरा किया और स्ट्राइकर एंड पर थ्रो काफी तेजी के साथ, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौका था। और यही लम्हे होते हैं जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है वो होता है समीकरण, 2 गेंदे और 4 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 2 गेंदों पर जब भी 4 रन चाहिए रहते हैं तब राजेश चौहान का वो शॉट याद आता है, सकलेन मुस्ता को पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में मारा था, 2 गेंदे 4 रन थे, हालत खराब थी, तब राजेश चौहान ने हेमंत बदानी ने उसे चौके को मारा था और भारत को जीत दिलाई थी, यादगार मैच था। और यहाँ पर यादगार बनाते हुए इस मुकाबले को गोविंदा 2 गेंदे 4 रन, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। और देखना है यहाँ पर बॉलर आतिश मात्रे किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, 2 गेंदों पर 4 रन। और प्रेम जी इसका पहला मुकाबला भी बहुत रोमांचक हुआ था, 1 गेंदे 2 रन, तो ये टूर्नामेंट ही जो है बेहद ही रोमांचक मोड़ पे पहुंचता हुआ, हर मुकाबला कांटे का होता हुआ, ये खासियत है इस टूर्नामेंट की, खासियत है इस टीम में, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले टीम की। 2 गेंदे 4 रन और ये कमाल की गेंद, कमाल की अपील भी यहां पर करते हुए और इसी के साथ समीकरण बदलते हुए, 1 गेंद और 4 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। कंपलसरी चेस है, चौका, अगर आप मारेंगे चौका तो बनेगा अयान स्पोर्ट्स कोपर के लिए आगे बढ़ने का मौका, अगर नहीं बनाएंगे तो महागणपति चिरनेर के लिए भी होगा आगे बढ़ने का मौका। तो मौका दोनों के लिए बराबर है, ऐड आता था मौका मौका, तो अब कौन मारेगा चौका और किसको मिलेगा आगे जाने का मौका ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दर्शकों 1 गेंद
चार रन, डॉट गेंद आती हुई यहां पर, और इसी डॉट गेंद के साथ सपने भी टूटते हुए अयान स्पोर्ट्स कोपर उनकी टीम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन बहरहाल लो स्कोरिंग मुकाबले हमेशा मुश्किल वाले ही होते हैं। आप देखेंगे एक बार भारत, बांग्लादेश ने भारत को 104 रन पे ऑल आउट कर दिया था, और बांग्लादेश 50 पे 2 थी और 59 पे ऑल आउट हो गई थी। तो आप YouTube में भी वो मुकाबला देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल करते हुए महागणपति चिरनेर की टीम क्या अच्छी वापसी की, और वापसी ही नहीं की, जीत भी दिलाई। जो हार कर भी जो बाजी जीतते हैं उसको बाजीगर कहते हैं, लेकिन यहां पर क्या जादूगरी वाला खेल दिखाते हुए महागणपति चिरनेर की टीम, उन्होंने इस मुकाबले को जीता है और अपनी जगह जो है पक्की की है अगले राउंड के लिए। और मैन ऑफ द मैच साइज नारंगीकर, 8 गेंदे और 23 रन। आइए नारंगीकर जी, मौसम भी आपका ही है और ट्रॉफी भी आपकी है। मैं निवेदन करता हूं रविंद्र मात्रे जी, मैन फ्रॉम ओवले, कि सर आप जो हैं आगे की प्रक्रिया करें। और मैं निवेदन करता हूं बिग बिग एंड ब्रॉड शिव भक्त आदरणीय गायकवाड़ जी, कि सर जो है इस खूबसूरत सी मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है वो उस खिताब को दिया जाए नारंगीकर, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों पर 23 रन बनाते हुए। गायकवाड़ जी की मूछों को देखकर अमिताभ बच्चन के फिल्मों के डायलॉग याद आता है, मूछे हो तो नत्थूलाल जी के जैसे। ये भगवान ने इनको ना बहुत ही फुर्सत से बनाया है, ऐसे हमारे गायकवाड़ जी पूरे तन मन धन से।